ओके गाइज, वेलकम बैक ऑन माई चैनल यूट्यूब प्रियो लाइफ और मैं हूँ प्रियंका एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और जिगो एंड ये आ गया हमारा एसी। ये कल ही आया है और इसको जो इसकी फ्लिपकार्ट से मंगाया है, इनकी सर्विस बड़ी अच्छी लगी। आज ही कॉल आ गया लगाने के लिए, सो आने वाले हैं। तो आज क्या हुआ, कोई भी काम नहीं किया, मतलब कहने का मतलब नाश्ता वाश्ता वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि जब एसी लगता है ना तो आप ये समझ लो कि पूरे घर की वाट लगती है। इधर ड्रिलिंग, अंदर ड्रिलिंग, इतनी खराब पूरा घर होने वाला है। बिल्कुल लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही दिवाली की सफाई कर लें क्या लगे हाथों, अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं कितना बचता है क्या होता है। तो आज मैंने नाश्ते में तहरी बनाई है फर्स्ट, मतलब नाश्ता क्या है, नाश्ता या लंच समझ लो, क्योंकि दोपहर में तो कुछ बनने वाला नहीं है। अभी 3-4 बजे तक फुर्सत नहीं मिलने वाली, क्योंकि एसी लगने में ही 1-1.5 घंटा जाएगा। फिर झाड़ू पोछा, बर्तन क्लीनिंग, पूरी डस्टिंग, जितने भी ये सामान है सब हटाने पड़ेंगे। तो बहुत काम है आज, तो बने रहिए आज पूरे ब्लॉग में, देखते हैं कितना मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ आज, आई डोंट नो। अभी मैं और जिकू नाश्ता करने जा रहे हैं और ये चले गए सुबह 10:15 बजे चले गए थे काम पे। और हाँ, और इनको मैंने खिलाए हैं पनीर के पकौड़े और मैंने नहीं खाए हैं क्योंकि मुझे नहीं खाना था। और हमने और जीगू के लिए तहरी बनाई, बढ़िया टमाटर डाल के आलू डाल के। हाँ चलो खिला रही, खिला रही। यमी पुलाव, आलू पुलाव है और मज़ा आएगा खाने में। सो हम इंजॉय करने वाले हैं। ऊपर से घी डाला है, बहुत ही लेस ऑयल में बनाया है। बासमती राइस से आप ऐसे नाश्ते में बना सकते हो, कम ऑयल में बनाएं, कोई मसाला ना डालें, सिर्फ आलू टमाटर और बासमती राइस, बस ऊपर से घी डालें बनने के बाद, बहुत टेस्टी लगेगा। चलो 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 चलो। और ये जिगू बैठा हुआ है कार्टून देख रहा है, चले। हाय गाइस, बहुत दिन बाद मिले सब लोग। ओके गाइस, बताना कि मेरी नोज रिंग कैसी लगी। सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर इन लॉ साइड, मम्मी ने दी है मुझे और बहुत सुंदर लग रही मुझे। तो मैं बहुत दिन बाद पहनी हूँ नोज रिंग। एक्चुअली मुझे नोज रिंग कभी भी पहननी होती ना, मुझे किस टाइप की अच्छी लगती है, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट बाली है। वो मैं 10th क्लास से पहनी थी बाली, जो अभी तक पहनी हूँ, और 10-12 साल से ही पहनी हूँ मैं उसको। एंड ये नोज रिंग मुझे बड़ी पसंद है एक्चुअली में, तो ये मुझे बड़ी मिल गई, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर ये थोड़ी और उठी हुई होती ना, उठी हुई, तो और प्यारी लगती, बट कोई नहीं, मम्मी बोली थी उठी हुई वाली भी मंगा देंगे। तो अभी तक तो मैं यही डाल रही हूँ, आप बताना कैसी लग रही है। ओके, और इग्नोर माय फेस बिकॉज अभी मॉर्निंग का टाइम है, शावर वावर नहीं लिया है कुछ भी, तो बहुत ही ब्लैंक फेस है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत दो खुशियां आने वाली है। एक तो एसी लग गया, दूसरा इनका बर्थडे भी आने वाला है, करवा चौथ भी आने वाली है, दिवाली भी आने वाली है। और एक और चीज है, अगर वो हो गई ना तो जरूर बताऊंगी आपको, आपके लिए सरप्राइज होगा वो, ठीक है। आज कंफर्म हो जाएगा कि मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं। ओके ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि एसी लगा है एक मेरे घर में और उसने क्या हालत कर दी, पूरे घर को तहस नहस कर दिया कसम से। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नए शिफ्ट हुए हैं। अब आप ये बाथरूम की हालत देखो, अभी तो कुछ नहीं है, अभी मैं दिखाती हूँ। और क्योंकि जो एसी लगा है ना, उसकी अनलाइन जो है ना, वो बाथरूम के अंदर से होके गई है। अब देखो, ड्राइंग रूम से लेके बाथरूम तक, जो बेडरूम, मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है, उसके अंदर तक होल हुआ है। और जो बाथरूम में एक दरवाज़ा लगा है ना यहाँ पे साइड में, उसके बाहर उसका बॉक्स लगाया जाएगा ये वाला। और हालांकि बेडरूम में भी लग सकता था, बट बेडरूम में ऑलरेडी एक एसी लगा है, सो उसके ऊपर फिट करना, और फिर बेडरूम का भी हाल यही होता, क्योंकि जो तार है ना मोटा सा, वो बेडरूम में ख़राब लगता। तो फिर इन लोगों ने सजेशन दिया है कि आप बाथरूम में भी लगवा सकते हो, सो हम लोगों ने बाथरूम प्रेफर किया। दूसरी बात, ये फ्लिपकार्ट से हमने ख़रीदा है एसी, कैरियर का है, 1.5 टन का। और इनकी जो सर्विस चार्ज थी वो 1500 थी, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने पूरे 4200 रुपये लिए हैं। कुछ कॉपर वायर की वजह से ये लोग लेके आए। हाँ बेटा एक सेकेंड, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, और उन्होंने लगाया। और
तो जब फाइनल चार्ज लगे तो खैर 2-3 घंटे हैं और घर की हालत भी आप देख सकते हो, तो फाइनली इन्होंने चार्ज बोला है 4,200, बट हमें पे करना पड़ा, बट क्या कर सकते हैं। मुझे पता है एसी जब भी लगता है तो लगता ही है, 2-2.5 हज़ार तक जाता ही है, बट 4,200, इवन देवर आस्किंग अबाउट 500 मोर। इसके अलावा भाई साहब कुछ मत पूछो। जो घर की फिर हमने सफाई करी है, एक्चुअली ये लोग आ गए थे मेरे ख्याल से 1-1.5 बजे, 1-1.5 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक इनने काम किया, क्योंकि बीच में लंच के लिए गए लोग, ठीक है, 1-1.5 घंटे के लिए। बट जो खोदने वाला काम था वो सब था, वो जब ख़त्म हो गया तब हमने सफाई मैंने चालू कर दी। फिर मैंने सोचा यार जब इतनी गंदगी हो गई है तो लगे हाथ दिवाली की सफाई कर लें, बताओ पहले ये साफ़ करो फिर दिवाली की अलग करो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रही हूँ, बहुत ही लेस किया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ, इतनी गंदगी पड़ी थी। बस ये लग रहा था बस तैयार हो जाएं जंग के लिए, पूरा घर साफ कर दें। ये देखिए तार दिख रहा है ना, अगर मैं बेडरूम में लगवाती ना तो ऐसा तार दिखता। हालांकि इसमें ये लोग वाइट वो लगाएंगे, पेंट वगैरह, सीमेंट वगैरह, और ये तार को भी थोड़ा सा वाइट टेप चिपकाएंगे, बट फिर भी वो दिखेगा ही। अगर बेडरूम में कराया होता तो ये जो बेड दिख रहा है ना इसके अंदर पूरा भर जाता, समझ लो। सो यहाँ पे हस्बैंड ये साफ़ कर रहे हैं फ़ैन वगैरह, मैं भी क्लीनिंग में लग गई हूँ, बट मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज इस दिन हम 10 बजे निपटे हैं, समझ लो रात के 10 बजे हम फ्री हुए हैं। लास्टली इन्होंने अपना बाथरूम साफ़ किया और मैंने अपना किया, बिकॉज बाथरूम के अंदर भी, ये बाथरूम में तो कूड़ा पड़ा हुआ था, दूसरे इनके बाथरूम में ये लोग जा जा के हाथ पैर मुंह धो रहे थे बार बार, ठीक है चलो वो नॉर्मल है, इतना ये लोग भी गंदे हो गए थे, कोई बात नहीं, तो हमने सोचा हम साफ़ कर लेंगे। तो रात में 10 बजे हम फ्री हुए हैं, उसके बाद फिर रात में क्या किया हमने, फटाफट जो बनता है ना पूड़ी ही बनती है, राइस खाने का मन ही नहीं था, फटाफट आटा रखा था, पूरी और आलू बनाया हमने खाने के लिए। ये नेक्स्ट डे है, बस उतना ही मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बनाया है जिसमें पानी में लेमन एंड सोडा डाला है, एंड इसके ऊपर मैं ये वेजिटेबल वॉश डाल रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। ओके तो जब पूरी घर की क्लीनिंग हो गई थी, इवन सारे रैक वगैरह जो अब दिख रहे हैं ना किचन में, नया रैक रखा लाई थी मैं, वो उसका आयरन का, वो भी सब निकाल निकाल के सारे डब्बे वगैरह, एक एक पोछे से फ्रिज रह गई थी, तो मैंने सोचा सेकेंड डे फ्रिज भी कर लेती हूँ, बिकॉज़ अभी कमिंग डेज़ में लाइक करवा चौथ है, इनका बर्थडे है 3 नवंबर को, तो उस टाइम पे हमें टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है 5 तारीख के बाद टाइम है दिवाली क्लीनिंग के लिए। लेकिन मैंने सोचा वही था, लेकिन अभी हो गई तो इट्स गुड, पहले से हो गई है। अब क्या है ना, 3 को बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, 4 को करवा तो चौथ सेलिब्रेशन होगा, एंड 5 से 6, 7, 8 को हम फिर दिवाली की तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया सर्विस के बारे में, बिकॉज़ देखो 4,000 लेते या 5,000 लेते, लगवाना तो था ही, ठीक है, बट एक्चुअली मैं उन्होंने पूछा नहीं कुछ भी, एंड अपनी मर्जी से लगाया, बस ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, बाकी और कोई बात नहीं है। पूछते भी तो हम ऑब्वियस अलाउ करते जब रिक्वायरमेंट थी ही, वो तार वार लगाने की कुछ था कॉपर का, तो उसका तो चार्ज लगता ही है ना, बट उन्होंने बिल विल नहीं दिया है जो भी वो ख़रीद के लाए थे। तो हमने पूछा जब आप ख़रीद के लाएँ तो बिल भी तो होना चाहिए, तो नहीं था उनके पास, बट फिर भी क्या है ना कि अभी इतना काम किया उन्होंने 3 घंटा, तो बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं था लास्ट में। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे इसका बिल चाहिए, पक्का बिल कुछ होता है उन्होंने बोला, उनको मैं पीछे ही खड़ी थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ओके सो इट्स ऑल अबाउट, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को आप ख़रीदते हो फ्लिपकार्ट वगैरह से या कुछ भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। ओके यहाँ पे फ्लिपकार्ट की कोई मिस्टेक नहीं है, उन्होंने तो सर्विस वाले जो होते हैं वही भेजते हैं, उन्हें क्या पता कौन कैसा होता है ना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन आया था हालाँकि फ्लिपकार्ट से, हमने कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं किया है, बट बोल दिया है कि गुड, क्योंकि फ़ोन भी आता है कि आपको सर्विस कैसी लगी है ना, तो क्या करते हैं अभी।
पर मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितना काम मैंने जब एसी लगा उस दिन किया, फिर नेक्स्ट डे भी किया, जो बचा कुचा रह गया था काम, बट जो थर्ड डे था इट वॉज़ सो रिलैक्स, इतनी खुशी हो रही थी कि चलो काम निपट गया, इतना क्लीन साफ़ सुथरा चमकता हुआ घर दिख रहा था। पता है मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ भी किया है कुछ, जो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग खुश हो जाओगे देख के कि मैंने कैसे सेटिंग करी है घर की सेटिंग करी है मैंने, और यस आपको पसंद आएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ। इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड बताना कि करवा चौथ की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। एंड बस, और वैसे तो मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करने जाना था, आई मीन जो पूजा वगैरह का सामान होता है, बट अभी नहीं गई मैं, आज 2 तारीख हो गई है, फाइनली आज तो जाना ही पड़ेगा बिकॉज कल इनका बर्थडे है, तो कल तो मैं जा नहीं पाऊँगी, परसों करवा चौथ है, सो आज तो जाना ही पड़ेगा शाम को। सो मैं दिखाती हूँ आपको कल कि मैं क्या क्या लाई हूँ। एंड ये व्लॉग जो है ना मैंने पहले अपलोड कर दिया, हालांकि 2-3 दिन व्लॉग पीछे चल रहे हैं, सो बहुत सारे 2-3 व्लॉग अभी बाकी हैं जो इसके बाद आएंगे। ये मुझे लेटेस्ट में इसलिए करना पड़ा बिकॉज़ अभी जो फेस्टिवल आ रहे हैं वो प्रेजेंट में जाने चाहिए वो वाले व्लॉग्स, अदरवाइज़ क्या होता है फिर मैं 2-3 जो रह गए हैं वो अपलोड करती ना तो वो फेस्टिवल वाले पीछे रह जाते। सो आई वॉन्ट के लेटेस्ट वाले पहले चलें, और जो 3 व्लॉग्स हैं जो मेरी मदर इन लॉ के साथ हैं, सो ब्यूटिफुल व्लॉग्स हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे करवा चौथ के बाद, ओके। और ये जो व्लॉग है ये अभी कल परसों का व्लॉग है, आई मीन बनाया परसों है, कल एडिटिंग करी है, सो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, ओके। एवरटीन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, एवरटीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो कि डील करता है फेमिनिन हाइजीन के प्रोडक्ट्स से। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बता चुकी हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इंटीमेट वॉश, सो अगर आप कोई भी इंटीमेट वॉश ढूंढ रहे हैं तो एवरटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है बिकॉज मैं खुद यूज करती हूँ। सो इंटीमेट वॉश क्या होता है? इंटीमेट वॉश होता है कि हम रोज बात लेते हैं तो हमें अपने इंटरनल पार्ट को भी क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है और आपकी इचिंग, वाइट डिस्चार्ज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे वो अवॉइड हो जाती हैं। तो आपको जरूर एवरी डे इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप कोई अच्छा हर्बल इंटीमेट वॉश ढूंढ रही हो तो आप एवरटीन का इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है स्नैपडील पे, अवेलेबल है अमेजोन पे, अवेलेबल है एवरटीन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो इन तीनों चारों के लिंक, इवन पेटीएम पे भी अवेलेबल है, चारों के लिंक मैंने दे दी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जरूर क्लिक।